हेलो एवरीवन, आज हम मिर्च का अचार और नींबू का अचार बनाने वाले हैं, जिसमें हमें किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं करना है। सभी चीज़ें हमें काम में लाना है। सबसे पहले तो हम नींबू का चयन अच्छे से करना है। नींबू पीले होने चाहिए, रसीले होने चाहिए और बिना दाग वाले होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े नींबू भी नहीं लेना है और हरे नींबू भी हमें नहीं लेना है। मैंने इसमें 15 नींबू लिए हैं, जिसमें से 10 नींबू हम अलग रख देंगे और 5 नींबू अलग रख देंगे, और इन 5 नींबू का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें मैंने 240 ग्राम मिर्च लिया है। मिर्च बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए, वो मिर्च बहुत तीखी होती है। मैंने इसमें लाइट ग्रीन कलर की ही मिर्च लिया है, जो ज़्यादा तीखी नहीं है। आप चाहे तो इसमें मोटी मिर्च भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। नींबू और मिर्च को मैंने अच्छे से धो के ड्राई कपड़े से पोंछ लिया है। सबसे मेन बात तो यह है कि अचार बनाते वक्त पानी कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए, तब अपना अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत दिनों तक चलता है। सबसे पहले हमने जो 10 नींबू लिए थे, उन्हें हमें काट लेना है। नींबू को हमेशा आड़े में ही काटें, जिससे कि रस ज़्यादा निकलता है। इन सब का रस हमें निकाल लेना है अलग से। ये देखिए, काटकर हो गए हमारे सभी नींबू। अब हम इनका रस निकाल लेंगे एक बाउल में, फिर इसका यूज़ हम जो मिर्च का अचार जो बनाने वाले हैं उसमें हमें करना है। आप चाहे तो इसके जो बीजे हैं वो भी निकाल सकते हैं, और ये जो नींबू के जो छिलके बच गए हैं इन्हें भी हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हमें अपने नींबू के अचार में यूज़ करना है। तो इस तरह से नींबू का पूरा रस निकाल ले, और ये जो छिलके बच जाते हैं इन्हें अच्छे से काट ले। अपने सहूलियत से आप इनको शेप दे सकते हैं, जितना आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए। मैंने 1 के 4 टुकड़े किए हैं, आप 8 भी कर सकते हैं। 8 करें तो छोटे छोटे टुकड़े अच्छे रहते हैं। अब हमें क्या करना है, मिर्च लेना है। इस मिर्च को भी हम अच्छे से काट लेंगे इस तरह से, और हमें जितनी लंबी मिर्च रखना है उतने हम अपने उस साइज से के रखेंगे। मैंने एक मिर्च में 4 या फिर 6 टुकड़े किए एक मिर्च के। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम राई ले लेंगे। इसमें मैंने राई लिया है 65 ग्राम्स, और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है 5 मिनट तक। ये देखिए, बस हो गया। तो फिर निकाल लेंगे इसे एक अलग पॉट में, और फिर हमें डालना है सौंफ। सौंफ हमने लिया है 5 चम्मच, 5 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से भून लेना है। मसालों को हमेशा कपड़े से भूने, क्योंकि अगर हम जब स्पून से भूनते हैं तो मसाले कुछ नीचे रह जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे के मसाले जल जाते हैं। इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो फिर हम इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मसालों को हमेशा कपड़े से भुना जाए, और ये बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल वे है मसालों को भूनने का। फिर हम मेथी दाना ले लेंगे। मेथी दाना लिया है मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा भूरा होते तक, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बस हमें इनको लो फ्लेम में ही भूनना है। देखिए हो गया, तो फिर इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम कलौंजी ले लेंगे। इस समय में आप गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि कलौंजी को लो फ्लेम की भी ज़रूरत नहीं रहती। जितना तवा गर्म है उसी में ये कलौंजी भून लेती है, और इसे हम अलग रख देंगे। इसे हमें उन मसालों में मिक्स नहीं करना है। अब इन सब मसालों को हमें पीस लेना है, इन्हें मोटा मोटा पीसना है। हमें ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं रखना है। हम जो ये अचार बनाने वाले हैं वो साल भर भी ख़राब नहीं होता है और ना ही बिगड़ता है। इस तरह से हमें इसे पीस लेना है, और देखिए इस तरह से मोटा ही रखना है। अगर आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। अब हमें इस मसाला पाउडर को 2 कटोरी में इक्वल डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमें 2 अचार बनाना है ना, इसलिए 2 कटोरी में हम इक्वल डिवाइड कर लेंगे। बढ़िया, इस तरह से इक्वल डिवाइड कर ले, और फिर हमें जो कलौंजी जो साइड में रखी थी, हमें उस कलौंजी को भी इक्वली दोनों कटोरी में डालना है इस तरह से, और इसे मिक्स कर ले। बढ़िया, इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है।
दोनों बाउल को। और अब हमें मिर्च का अचार बनाना है, तो उसमें हम एक बाउल का पूरा मसाला उसमें डाल देंगे, उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसमें एक टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, दो टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे। वैसे भी अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है और ये तो मिर्च का अचार है, तो इसमें दो टेबलस्पून डालना ज़रूरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया, अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, जो हमने इससे पहले जो निकाला था 10 नींबू का जो जूस निकाला था वही हमें डालना है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून विनेगर डाला है, वाइट विनेगर डाला है। वाइट विनेगर ही डालें, जामुन विनेगर वगैरह हमें नहीं डालना है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करेगा। अब हमें अचार को कांच के जार में ट्रांसफ़र कर देना है। कांच का जार ड्राई होना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अब हम नींबू का अचार बना लेंगे, जिसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में 5 नींबू अलग करके रखे थे उनके हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेना है अपने कन्वीनियंस को लेके। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इन्हें फिर अपने नींबू के छिलकों में मिक्स कर लेना है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं हो रही है। इवन हम नींबू के छिलकों से भी अच्छा अचार बना रहे हैं, और उसमें हम जो ये नींबू के जो काट के डाल रहे हैं, तो वो भी सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छा अचार बनने वाला है हमारा और स्वादिष्ट अचार बनने वाला है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट डाल दिया, नमक, और 2 टेबलस्पून हम इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है इसमें। और इन सब मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। बहुत बढ़िया, अच्छे से मिक्स कर ले। और उसमें फिर हमें मसाला पाउडर डालना है, जो हमने मसाला बनाया था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। और उसमें 1.5 टेबलस्पून हमें विनेगर डालना है, वाइट विनेगर। हमें जामुन का विनेगर वगैरह कोई भी दूसरा प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, सिर्फ वाइट विनेगर डालना है इसे। और अच्छे से इसे मैश कर लेना है, इसे अच्छे से मैश कर ले बिल्कुल, जैसे मेरी बेटी ने इसमें कर लिया है। ये मैश करने का काम उसी ने किया है। और फिर इसे कांच के जार में डाल दे। कांच के जार अच्छे से ड्राई होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो फिर खाइए, खिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।